शिव नाडर ने साधारण इंजीनियरिंग से कैसे बना ली HCL जैसी एक बड़ी कंपनी, कैसे HCL ने केवल एक ही साल में बना लिया करोड़ों का टर्नओवर। जानिए शिव नाडर की रियल जिंदगी की सफलता की कहानी द खबरी क्लब के चैनल पर। शिव नाडर एक प्रसिद्ध भारतीय IT उद्योगपति है। वे HCL और शिव नाडर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने साल 1970 के मध्य में HCL की स्थापना की और धीरे धीरे कंपनी को हार्डवेयर के साथ साथ IT उद्योग का भी एक बड़ा नाम बना दिया। IT उद्योग में उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया है। IT क्षेत्र के साथ साथ शिव देश के शिक्षा क्षेत्र में भी बदलाव के लिए कार्य कर रहे हैं। यह कार्य शिव फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाता है। शिव नाडर का जन्म तमिलनाडु के थुकुकडी जिले के मुलाईपुजही गांव में 18 जुलाई 1945 को हुआ था। शिव ने कुंभकोलम के टाउन हाउर सेकेंडरी स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वहां के सन 1955 से 1957 तक पढ़ाई की। इसके बाद द अमेरिकन कॉलेज मदुरई से प्री यूनिवर्सिटी डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कोयम्बटूर के PSG कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। शिव ने वर्ष 1977 में पुणे स्थित कूपर इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वे इससे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि वो अपना व्यवसाय शुरू करने की ख्वाहिश रखते थे। वर्ष 1976 में 6 युवा इंजीनियरों के साथ उन्होंने माइक्रोकॉम लिमिटेड नामक एक कंपनी बनाई जो टेली डीजल कैलकुलेटर्स बेचने का काम करती थी। इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड HCL नामक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी बनाई और वर्ष 1982 में अपने पहले PC के साथ HCL बाजार में उतरा। HCL के लिए एक बड़ी अहम बात यह रही कि कुछ वर्ष पहले ही IBM ने भारत छोड़ा था, जिसे IT सेक्टर में एक बड़ा खालीपन हो गया था। इसका भरपूर फायदा HCL ने उठाया और इसकी रिक्तता को भरा। इसके साथ साथ कंपनी ने अपने ग्राहकों का भी दिल जीत लिया। इसके बाद नादर ने पलट कर नहीं देखा और विदेशी जमीन पर भी उन्होंने खुद को स्थापित कर लिया और एक के बाद एक सफलता उनके कदम चूमती रही। जल्द ही नाडर ने अपनी IT व्यवसाय में 5 कंपनियां HCL टेक्नोलॉजीज, HCL कॉन्वेंट, HCL इन्फोसिस्टम, HCL पैरोट और NIIT समाहित कर ली। वर्ष 1980 में IT हार्डवेयर बेचने के लिए HCL ने सिंगापुर में फॉर ईस्ट कंप्यूटर्स की स्थापना के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। इस उद्यम के प्रथम वर्ष में लगभग 10 लाख रुपए की आमदनी हुई। नादर इस उद्यम के सबसे बड़े शेयर धारक बने रहे। वर्ष 1989 में HCL ने अमेरिकी कंप्यूटर हार्डवेयर मार्केट में हाथ अफजाने की कोशिश करी, पर यह कोशिश असफल साबित हुई और कंपनी ने वर्ष 1991 में अपने आप को PC व्यवसाय से बाहर कर लिया। नाडर ने जॉन हॉकिंस मेडिसिन इंटरनेशनल के साथ मिलकर एक क्लिनिक श्रृंखला HCL एविटास की शुरुआत की है। इस अपार सफलता के साथ साथ नाडर ने खुद को समाज सेवा से भी जोड़ लिया है और शिव नाडर फाउंडेशन की स्थापना की है, जिसके जरिए भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार के लिए कार्य करने लगे। उन्होंने चेन्नई में SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की, जो आज देश के सर्वश्रेष्ठ निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में शिव नाडर यूनिवर्सिटी की नींव रखी, जहाँ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल डिग्री की शिक्षा दी जाती है। उत्तर प्रदेश में विद्या ज्ञान पब्लिक स्कूल का निर्माण किया गया है, जहां ग्रामीण बच्चों को मुफ्त में विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती है।